हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको हमारे पास ये जर्सी है, इसे कैसे सही करना है ये सिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने दूसरी जर्सी ली है जिसके नाप का इसे मुझे करना है। तो मैं इसकी लंबाई, इसके शोल्डर का नाप, इसकी कमर का नाप, ये सारा जो है नाप लूंगी सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी जगह से इसे नाप लिया है। अब हम इसमें से सबसे पहले अपनी बाजुओं को अलग करेंगे। और बाजुओं को अलग करने के लिए फ्रेंड्स, जहाँ बाजुओं की इसके अंदर सिलाई लगी हुई है, उस सिलाई से आधा इंच अंदर की साइड इसे कट करना। मतलब वो सिलाई हमें कट नहीं करनी है, क्योंकि उस सिलाई वाले मार्जिन के पास जो है हमारा इसके अंदर थोड़ा सा वर्क है, ताकि वो वर्क हमारा बाजू के अंदर रह जाए। तो इसलिए उसे थोड़ा सा जर्सी वाली साइड से कट कीजिएगा। उसके बाद हम देखिए ऐसे नीचे वाला पोर्शन भी कट कर लेंगे, और उसमें से भी हम लोग जो आधा आधा इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो उसके बाद देखिए, हमने इसे बिछा लिया है, और अब इसके ऊपर हम लोग जितनी हमारी लेंथ है उसे नाप लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए, हमने ये जो पट्टी कट की थी, क्योंकि हमें ये भी इसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो जहाँ हमारी पट्टी बनती है वहाँ तक देखिए हम लोग अपना निशान लगा लेंगे, और वहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए, जहाँ पर ये पट्टी कटी हुई है, इसका कट का निशान है, वहाँ हम लोग निशान नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि वो हमने सिलाई के लिए मार्जिन रखा है, तो इस वाले पोर्शन में भी, जर्सी के अंदर भी हमें जो सिलाई का मार्जिन रखना है, तो इसलिए जहाँ पर वो उसका बिल्कुल बॉर्डर स्टार्ट हुआ था, जो नीचे वाली पट्टी थी, तो वहाँ पर हमने ये निशान लगाए हैं। और देखिए फिर ये दोनों तरफ हम अपने निशान लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए कि हम जो बीच वाला पोर्शन है, वहाँ पर हमारी जो नीचे की साइड से लेंथ है वो कुछ आती है, और ऊपर से कुछ। तो वो इसलिए है क्योंकि देखिए, जो ये जर्सी नीचे वाली है ब्लू कलर की, उसका जो शोल्डर है वो बिल्कुल नीचे की साइड डाउन है, और ये जो दूसरी जर्सी जिसका मैं नाप ले रही हूँ, इसका शोल्डर सीधा है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग उसे करना है। तो इसलिए हम लोग जो हल्का हल्का इसमें भी जो है सिलाई के लिए जो अपना कट करना है हमें पोर्शन, वो आधा इंच यहाँ पर डाउन ही रखेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये इक्वल हो जाए। ये देखिए ऐसे शोल्डर अगर हम ऊपर करते हैं तो ये पोर्शन भी ऊपर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसे कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब हम लोग अपना जो है निशान लगाएंगे। ये जो हमने पट्टी ली कट की थी अपने नीचे से, इसके इक्वल देखिए ऐसे हम लोग यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड निशान लगा लिए। उसके बाद हम लोग अपने यहाँ पर लेंथ नाप जो है मेज़र कर लेते हैं एक बार उसमें नाप कर दोबारा देख लेते हैं कि हमारा मेज़रमेंट जो है सही आया या नहीं। तो ऐसे ही अब हम लोग जो अपना शोल्डर का मेज़रमेंट ले लेंगे यहाँ पर, और दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। और फिर ऐसे देखिए, हमारी जो बाजू है उसको हम लोग ऐसे ही रख कर नॉर्मल जो है यहाँ से मेज़रमेंट ले लेंगे अपना दोनों तरफ। ऐसे मेजरमेंट जो है फिर अपना नाप करेंगे, जितना हमें सिलाई करनी है या कट करना है उसे। तो हमारे जो सारे मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखिए ऐसे नॉर्मल निशान लगाएंगे, और दोनों तरफ से इसे कट कर देंगे। और फिर उसके बाद ऐसे ही अपने जो शोल्डर है, यहाँ से भी हम लोग इसे कट कर लेंगे दोनों तरफ से। तो इसके बाद देखिए, हमने जो एक पोर्शन कपड़ा इसके अंदर से कट किया था नीचे की साइड से, हम उसके अंदर जो है ऐसे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर पॉकेट भी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो पॉकेट लगाते टाइम हम इस जो ये पोर्शन हमने कट किया, इसमें बूटी का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बूटी जो है जर्सी में, देखिए आपको थोड़ी थोड़ी नज़र भी आ रही है, ऊपर वाली साइड है, तो वो भी हमें जो हमने जो कपड़ा कट किया है वो भी जब हम लगाएंगे इसके अंदर, तो उसकी बूटी भी ऊपर वाली साइड ही होनी चाहिए। अब देखिए, हम इसकी साइडों की फिटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए, हमने जो पॉकेट के लिए कपड़ा कट किया था उसके ऊपर ये देखिए जो साइडों से पट्टी कट हुई थी वो लगाएंगे। और उसके बाद देखिए, हम लोग सबसे पहले अपना यहाँ पर जो है सेंटर मेज़र कर लेंगे, और ऐसे ही जो सेंटर का निशान है वो हम लोग देखिए पॉकेट के अंदर भी लगाएंगे। और फिर इसको जो है सेंटर को सेंटर के ऊपर रखेंगे, और फिर देखिए इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड करके फिर हम लोग ये जो है इसे सीधा कर लेंगे। और उसके बाद देखिए, हम लोग जो है इसको पिन की हेल्प से पहले सिक्योर करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर
सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम यहाँ पे स्टार्टिंग में सिलाई लगाते हैं तो हमें यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा वर्क है, ठीक है, तो उसका दूर होने का डर रहता है, तो वहाँ पर हाथ के साथ उसको जो प्रेसर कीजिएगा नीडल वाली साइड यानी कि सुई की तरफ, उसे धक्का देना है हमें कपड़े को, ताकि बीच में जो डिज़ाइन है उसके अंदर गैप ना आए। तो फिर देखिए दूसरी तरफ से हमें कैसे इसकी सिलाई करनी है। हम देखिए इसे ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फिर इसको ये अंदर जो है हम लोग पिन लगाएंगे। तो देखिए पिन लगाने के बाद फिर हम लोग ऊपर की साइड से अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे, यानी कि इसकी सिलाई भी हम लोग अंदर वाली साइड से ही करेंगे। तो देखिए हमें इसकी जो सिलाई है वो कैसे करनी है, ये देखिए इसको हल्का सा घुमाएंगे, क्योंकि जर्सी का जो कपड़ा होता है फ्रेंड्स वो स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलाई अंदर की साइड से वो आसानी से लग जाती है। तो देखिए कपड़े को पहले सीधा करते रहना और फिर जहाँ पर हमने देखिए अपना पॉकेट का कपड़ा रखा है वहाँ पर धीरे धीरे हमें जो है सिलाई लगा देनी है। और नीचे वाले कपड़े का भी ध्यान रखना है कि वो नीचे की साइड से साइड में रहे, वो सिलाई के अंदर ना आए। देखिए हमारी जो पिन है वो हटा लेंगे और अपनी जो सिलाई है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारी जो पॉकेट है वो एक तरफ लग गई, अब ऐसे ही हमें जो है फ्रेंड्स अपनी दूसरी पॉकेट भी इसके अंदर लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों पॉकेट्स जो है लग गई हैं। अब उसके बाद हम लोग जो है इसमें नीचे वाली पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम लोग ये देखिए इसमें जो पिंस लगी हुई है हम इन पिंस को हटाएंगे यहाँ से और फिर उसके बाद देखिए हम लोग ऐसे रखते हुए जहाँ पर हमारी जो सिलाई हमने अभी करी है, ठीक है, जो फिटिंग वाली सिलाई की है वहाँ पर देखिए और नीचे वाली जो पट्टी है उन दोनों के पोर्शन को सेंटर में से पकड़ते हुए हम लोग वहाँ पर जो है पिंस लगा लेंगे अपनी, ताकि जब हम अपनी सिलाई चलाएं तो जो हमारा ये पॉइंट है यानी कि सिलाई वाले जो जोड़ हैं वो दोनों बराबर आएं। और देखिए सिलाई चलाते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिलाई का हमने मार्जिन रखा है फ्रेंड्स आधा इंच, उस पर जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी चले, ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, इसके अंदर बॉर्डर है, वो बॉर्डर बिल्कुल सही रहे और सही से दिखाई दे। तो देखिए बिल्कुल इसके पास पास सिलाई चल रही है बॉर्डर के पास, देखिए दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से सिलाई आई है इसकी। अब आप लोग आगे इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे ऐसे ही पूरा राउंड में। तो देखिए मेरी सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है, देखिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है अपने इसके अंदर बाजू लगाएंगे और बाजू में इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारी जो सूट वाली बाजू होती है उनके अंदर देखिए आगे वाले पोर्शन में हल्का सा आधा इंच का कट होता है, तो वैसे ही इनके अंदर भी होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा आगे वाला पोर्शन किस साइड हमें लगाना है। और देखिए मैंने इसमें बताया था कि बूटी होती है, तो देखिए इसकी बूटी, ये देखिए बिल्कुल डिज़ाइन इसका आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि हमारा जो दबा नहीं है, ये देखिए मैंने जो सिलाई पहले वाली थी उसी सिलाई के ऊपर जो है चलाया था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि सिलाई वाले मार्जिन से मत कीजिएगा, उससे अंदर वाली साइड जो है इसे कट कीजिएगा। तो अब देखिए हमारा जो ये अंदर वाला सिलाई आपको दिखाई दे रही है, अब हम लोग इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।